सेवन की शुरुआत में दूसरा पाइथन सोंगियन पर अटैक करने ही वाला था, पर उससे पहले ही उसके अंकल उसे बचा लेते हैं और देखते हैं कि वो एक पॉइजनस और आग उगलने वाला पाइथन था, इसलिए उसके अंकल सोंगियन को वहां से निकालने लगते हैं। पर तभी उस पाइथन की वजह से एक पेड़ टूटकर उनपे गिर जाता है, तो सोंगियन उस पेड़ को अपनी स्पिरिट पावर से उठाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो बहुत भारी था, लेकिन उसके अंकल उसे रोक देते हैं क्योंकि स्पिरिट पावर से वो पाइथन अट्रैक्ट होता था। पर तब तक वो पाइथन वहां आ जाता है और उन पर हमला करने ही वाला था कि वहां वैंगसेंग पहुंचकर हवा में फ्लेयर चला देता है, जिसकी वजह से उस पाइथन का ध्यान भटक जाता है। इसके बाद वैंगसेंग अपनी रिमोट स्नाइपर को एक जगह सेट करता है और फ्लेयर से उस पाइथन का ध्यान भटकाते हुए उसे शूट करता है, साथ ही बॉम्ब लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी स्किन बहुत मोटी थी। तो वैंगसेंग उसे अपने पीछे दौड़ाने लगता है और अपने एआई सिस्टम से शूटिंग की सबसे बेस्ट रेंज बताने को कहता है, जिसके बाद वैंगसेंग उस पाइथन को उसी तरफ दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ सोंगियन मौका पाकर अंकल को पेड़ के नीचे से निकाल लेती है। इधर वैंगसेंग अपनी स्नाइपर से उस पाइथन की आंख में निशाना लगाकर उसे शूट करता है और उसके पेट में बॉम्ब डालकर उसे उड़ा देता है, पर बॉम्ब के झटके की वजह से वो बेहोश होकर अपनी स्पिरिट के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी स्पिरिट उस पाइथन की स्पिरिट को कंज्यूम कर लेती है। दूसरी तरफ सोंगियन को लग रहा था कि वैंगसेंग उस पाइथन के नीचे दब के मर गया है, इसलिए वो रोने लगती है, पर तभी वहाँ वैंगसेंग आकर उसे सरप्राइज कर देता है। आगे हम वैंगसेंग और सोंगियन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सोंगियन कहती है कि इस पाइथन की स्किन मेडिसिन के लिए यूज हो सकती है, इसलिए मैं इसे घर लेके जाऊंगी, जिस पर वैंगसेंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें मारना चाहती थी पर फिर भी तुम उनका अच्छा सोच रही हो, जिस पर सोंगियन कहती है कि मैं फैमिली का नहीं बल्कि उन लोगों का सोच रही हूँ जिन्हें इस पाइथन की बनी हुई मेडिसिन की जरूरत है। साथ ही वो उसे कहती है कि वो अपने घर जरूर जाएगी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो फैमिली के सभी बुरे लोगों से बदला लेगी। तभी बातों बातों में वैंगसेंग उसे कहता है कि उसकी स्पिरिट ने पॉइजनस पाइथन की स्पिरिट के कुछ हिस्से को कंज्यूम कर लिया है। ये सुन के सोंगियन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी कार्प स्पिरिट किसी दूसरी स्पिरिट को कंज्यूम कर सकती है, नहीं तो मेरी टर्टल स्पिरिट ऐसा नहीं कर सकती। ये सुन के वैंगसेंग थोड़ा खुश होने लगता है और सोंगियन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर सोंगियन बताती है कि मेरे फादर के जाने के बाद सोंगमिंग को छोड़कर सभी लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते थे, जिस पे वैंगसेंग कहता है कि तुम्हें सोंगमिंग पर इतना यकीन है लेकिन उसने भी तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तो सोंगियन उसे बोलती है कि जरूर उसे इसके बारे में नहीं पता होगा कि यहाँ पर दो दो पाइथन है, साथ ही उसकी स्पिरिट भी पॉइजनस पाइथन की है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया होगा, नहीं तो वो मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। ये सुनकर वैंगसेंग कहता है कि तुम विश्वास करती हो ये ठीक है, लेकिन किसी पे भी हद से ज्यादा विश्वास मत करना। इसके बाद वैंगसेंग सोंगियन से कहता है कि मेरे एक दोस्त के पास एक फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट है, तो क्या तुम उसके बारे में कुछ पता लगा सकती हो। ये सुनकर वैंगसेंग को याद आता है कि एक बार उसके फादर ने उसे बचपन में फीनिक्स स्पिरिट की उसी कहानी के बारे में बताया था, जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।